नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। किसानों का आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन गया है। आपको बता दें कि किसानों के आह्वान पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। किसान पदाधिकारी किसानों को लेकर करनाल के घरोंडा की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। वहां से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दुकानदारों को बंद रखने की अपील की गई। इस दौरान कुछ दुकानें बंद दिखाई दी तो कुछ दुकानें खुली दिखाई दी। किसान बंद को इनेलो से पूर्व विधायिका रेखा राणा ने भी समर्थन दिया और प्रदर्शनकारियों के साथ साथ रही। किसान नेताओं व प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग से जाकर वापस अनाज मंडी में अपना पड़ाव समाप्त किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान अजय राणा ने कहा कि ज्यादातर जनता हमारे साथ है। यह किसान आंदोलन किसान आंदोलन ना रहकर अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस जन आंदोलन में आड़ती यूनियन, मजदूर यूनियन, व्यापार मंडल मिलकर व अन्य आमजन सभी किसान यूनियन के साथ हैं। अधिकांश यूनियन भारतीय किसान यूनियन के पक्ष में है क्योंकि उन्हें किसानों की पीड़ा का एहसास है। पूर्व विधायिका रेखा राणा ने कहा कि स्वर्गीय देवीलाल की नीतियों को देखते हुए तीनों कृषि अध्यादेश का विरोध करती है। वह किसान संगठनों के साथ है। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई बंदूक और तलवारों से नहीं होती बल्कि वोटों से होती है। आने वाले समय में जनता किसानों का समर्थन करते हुए उचित विकल्प चुनेगी। राजेंद्र जैन ने कहा कि बंद सफल रहा लेकिन कुछ भाजपा सदस्यों ने दुकानें खुलवाई। उन्होंने ऐसे लोगों को किसानों का गद्दार बताया है। उन्होंने कहा कि जो आज अपना रोजगार और पेट की रोटी को नहीं देखता और किसानों का भला नहीं सोचता वह किसानों का गद्दार है। उन्होंने कहा कि यदि किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो वे सभी भूखे मर जाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद प्रशासन भी पूरी तरह से अपने बंदोबस्त के साथ प्रदर्शनकारियों के सामने डटा रहा और उनकी नजर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जमी रही। जैसे ही प्रदर्शनकारी सर्विस लेन पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने दिल्ली चुंगी से वाहनों को दूसरी तरफ कर दिया। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। देखो, इतना बड़ा शहर है, अगर चलो 1-2% पे दुकान ने किसी ने खोल भी लिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर जनता हमारे साथ है। ये जो आंदोलन है ये अब एक किसान या आड़ती आंदोलन ना होकर एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इस आंदोलन में आम पब्लिक का सबसे बड़ा योगदान हमारे साथ समर्थन मिल रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी जीत है। अकेले किसान यूनियन नहीं है, आड़ती एसोसिएशन है, पूरे हरियाणा की मजदूर यूनियन है, मुनीम यूनियन है और व्यापार मंडल है, राइस मिलर्स हैं, लगभग हिंदुस्तान के जितने भी संगठन हैं सभी हमारे साथ हैं। सभी को हमारी पीड़ा का एहसास है और इस आंदोलन में हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के कुछ आदमी दुकान खोल रहे हैं, बीजेपी के आदमी किसान यूनियन के एक तो तोड़ना चाह रहे हैं, जो कि ये किसानों के लिए गद्दार हैं, जो कि अपने पिरोजी और पेट की रोटी को नहीं देखता, किसानों का साथ नहीं देखता। अगर किसान आज अन्न उगाना बंद कर दे सारा देश भूखा मर जाए, त्राई त्राई हो जाए। किसानों का साथ राइस मिलर, आड़ती एसोसिएशन, मंडी मजदूर, जनता जनार्दन सभी दे रही है और आने वाले टाइम में वोट की चोट से इस बीजेपी का सर्वनाश किया जाएगा और जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसका राज आएगा। जो किसान हितैषी होगा, किसानों के हक में बात करेगा, उसी का भला होगा। जय हिंद। किसान आंदोलन को लेकर तीन अध्यादेश को वापस लेने के लिए ताऊ देवीलाल की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए आज संघर्ष पे उतरे हैं। हम किसानों के साथ हैं, संघर्ष में रहेंगे जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं लेती है सरकार, जब तक हमारी लड़ाई सड़कों पे जारी रहेगी और हम इस काले कानून को वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक हम तन मन धन से किसानों के साथ। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हमें अधिकार है तो हमें उम्मीद तो है आगे सरकार की नीतियों को जवाब देने के लिए आगे जनता इनको सबक सिखा देगी, क्योंकि जिनकी लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है और संघर्ष से लड़ी जाती है, आज तलवार की लड़ाई नहीं है, लाठी की लड़ाई नहीं है, बंदूक की लड़ाई नहीं है, वोटों की लड़ाई है। वोटों की लड़ाई के द्वारा हम इस सरकार को जवाब देने का काम करें। पहले हम किसान हैं, किसान की बेटी हैं, किसान हमारे साथ है, हम किसान के साथ हैं क्योंकि हम किसान घर में जन्म लेकर किसान की नीतियों को और किसान के अरमानों को मरने नहीं देंगे, क्योंकि ताऊ देवीलाल की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए हम ताऊ देवीलाल की नीतियों को साकार करने के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.